मुनव्वर फारूकी के लिए मीडिया ने जमके तालियां बजाई थी, जो कि आप लोग आज के एपिसोड में देखने वाले हैं अगर बिग बॉस आप लोगों को पूरा मीडिया राउंड दिखाए। नहीं तो बिग बॉस की हालत ऐसी हो गई है कि बिग बॉस जो है काफ़ी ज़्यादा खींच रहे हैं आजकल एपिसोड को, और सोशल मीडिया पर लोगों का मानना ये है कि भाई इतना ज़्यादा बोर कर देता है कभी कभी बिग बॉस। कंटेस्टेंट के हाथ में अगर चीज़ें दी जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है एपिसोड्स बनते हैं। और रही बात अब मनारा, अंकिता, विक्की, अरुण जो है बैठे हुए हैं और ये सब लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं पर मनारा जो है अंकिता से बात कर रही होती है, अंकिता से बात करते करते मनारा को एक स्ट्राइक मारता है कि भाई मीडिया आई थी, उन्होंने जो है लगातार हमारी बुरी बातें ही गिनवाई, बुरी बातों के बारे में ही बात की है। मैंने नील भाई को अपनी इम्यूनिटी दी, अच्छी बातें भी हमने की है, तो अच्छी बातें क्यों नहीं गिनवाई गई। ये बात सुन लेते हैं विक्की भैया और कि भैया बोलने लग जाते हैं और मीडिया का साथ देने लग जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मीडिया जो है वो सब होमवर्क करके आती है, सब चीज़ें देख के आती है, यहाँ पर उनको बुलाया गया है, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया है, तो सब चीज़ें देख के अगर हमें जो चीज़ पता है अगर उसी तरीके से वो बताएं हमें, तो फिर फ़ायदा ही क्या है मीडिया का आने का। बाहर क्या बातें चल रही है, किस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर जैसे हम जवाब भी अच्छे देते हैं, जैसे कि मुनव्वर ने जवाब काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए, तीखे करारे सवाल जो है उससे बहुत ज़्यादा पूछे गए, बट उसने हर एक सवाल का जवाब दिया, बिकॉज उस वक्त वो सिचुएशन में जिस तरीके से था वो चीज़ें में भी शायद दिख नहीं रही होगी, और जिस तरीके से उसने जवाब दिया तो मीडिया काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, तालियां मारी। तो जो चीज़ें हैं उसके जवाब अगर दिए जाएं अच्छे तरीके से तो तालियां तो बजती हैं, जहां पर मनारा भी सेटिस्फाइड होती है विक्की भैया की बात से, और अरुण भी बोलते हैं कि हाँ भाई उसने जवाब बहुत अच्छा दिया था मुनव्वर ने, इसीलिए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तालियां बजी हैं। तो मुनव्वर के लिए बहुत सारी तालियां बजी है मीडिया राउंड में, क्योंकि मुनव्वर को ज़्यादा टारगेट किया गया, मुनव्वर के लिए ही ये पूरा सीज़न बना है भाई, उसकी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा दी गई है मुनव्वर फारूकी की, और मुनव्वर फारूकी के लिए तो कितने सारे सवाल कितने सारे लोगों के पास होंगे, पर जब मुनव्वर फारूकी हमारे चैनल पे आएंगे हम लोग करेंगे उनके साथ तीखे करारे सवाल जवाब, नहीं गॉसिप। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।